आप उनको हाथ लगाओगे तो धूल हटेगी ना। क्या क्या काम होता है, आरसीटी हो रही है आपके यहाँ पर? क्यों नहीं होती? कब कब से पोस्टिंग है आपके यहाँ? कितना टाइम से आपकी पोस्टिंग, कितने टाइम से है यहाँ पे? पांच साल आपकी जी आपके पास नहीं है, उसकी डिमांड कितनी बार हो जाएगी आपके पास? साल कम भी है आप मेरी बात सुनो, आपको हो गया पांच साल तो इतनी आप ज्यादा हो रहे हैं ना। अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद में ट्रांसफर करेंगे। अगर जब तक आपकी परफॉर्मेंस मेरे को नहीं देगी और मेरे पास शिकायत आई है तो आपकी दूसरी अलग जगह बढ़िया तलाश करने में काम करना पड़ेगा, वैसे भी काम चलेगा। आप नहीं करते जब भी, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप आते ही नहीं है, आप आते ही नहीं है, यहाँ पर बैठते ही नहीं हो। देखिए आज डी अस्पताल ने डी सीएससी के अंदर औचक निरीक्षण करने में आया था। काफ़ी सारी कमियाँ इस अस्पताल के अंदर हैं, पुरानी बिल्डिंग हो गई है, जर्जर बिल्डिंग हो गई है, व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। पिछले कई सालों से कोई एक गिट्टी तक इस अस्पताल के परिसर में नहीं लगी है। साथ साथ डॉक्टर्स की भी उपलब्धता कम होने के कारण मरीजों को खास परेशानी झेलनी पड़ती है, मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, उनकी जांचें समय पर नहीं हो पाती हैं। डॉक्टर्स की कमी दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज CMHO साहब के साथ और सारे अधिकारियों के साथ, मेडिकल के सारे अधिकारियों के साथ बैठकर विस्तार से चर्चा हुई और जो कमियां हैं उनको जल्द दूर कराकर सुचारू व्यवस्थाएं करके और इसको क्योंकि अब डीग नया जिला बन चुका है तो इसको जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कराने का सरकार से हम निवेदन करेंगे। और निश्चित तौर पर जब ये डीग जिला हो जाएगा तो सारी समस्याएं मैं समझता हूँ कि अपने आप दूर हो जाएगी। देखिए सबसे ज़्यादा समस्या है फीमेल डॉक्टर की, गायनेकोलॉजिस्ट की, पीडियाट्रिशियन की और एक आई स्पेशलिस्ट की, ये तो मेन समस्या है। अभी CMHO साहब ने ऑर्थोपीडिशियन की यहाँ पर व्यवस्था की है, सोनोलॉजिस्ट कुमेर से टेम्परेरी व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसी तरह हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत जल्दी गायनेकोलॉजिस्ट और आई स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिशियन भी यहाँ बैठेंगे। धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।